आज जिस प्रकार से देश की जनता के लिए, गरीब जनता के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया, चाहे उनके लिए इंश्योरेंस से संबंधित जो पॉलिसी हो, दुर्घटना बीमा योजना हो, और सबसे बड़ी बात की जो आम गरीब की जो चिंता होती है आवास का, कि और कुछ नहीं, कम से कम उसे सर छिपाने के लिए एक आवास की व्यवस्था हो जाए, तो देश के इतिहास में पहली सरकार जिन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हुए देश के उन गरीबों के लिए 2022 तक ऐसे गरीब जिनका खुद का कोई आवास न हो या कच्चा झोपड़ी हो, उस झोपड़ी के जगह में पक्का आवास बना करके देने की योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाया गया, इससे आज गांव के गांव का तस्वीर आज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो एक एक गांव ऐसे हैं जहां पहले दूसरे चरण में 400-400, 500-500 से लेकर के 1-1 हजार तक आवास का निर्माण शुरू हो गया है, बहुत सारे बन गए हैं। आज वहां का मॉडल दिखने लगा कि ऐसा बदला हुआ स्वरूप निश्चित तौर पे 2022 तक जब हम आएंगे तो उस समय देश के जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहां एक क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देगा। इन सभी बातों को देश की जनता आज स्वीकार कर रही है, और यही कारण है कि बढ़ चढ़ करके हमारा आज वो समर्थन है।